हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं गुडविल ब्रोकर को। दोस्तों, जो ये गुडविल ब्रोकर है, ये एक डिस्काउंटेड ब्रोकरेज फर्म है और हम आपको बताने वाले हैं कि ये कितना मार्जिन हमको प्रोवाइड करते हैं और कितना ब्रोकरेज हमसे लेते हैं। दोस्तों, स्पेशली अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं, चाहे आप ऑप्शन सेलर हो चाहे आप ऑप्शन बायर हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए, बिल्कुल सही जगह आए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं गुडविल से रिगार्डिंग कि भाई कितना मार्जिन आपको मिलेगा और कितना ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड, आप कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं, कोई इसमें झोल नहीं है। आप कहीं भी जाके आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। जो जानकारी यहाँ पे मिलेगी वही आपको हर जगह मिलेगी, ठीक है। तो हम जो इस वीडियो का जो हमारा रिव्यू का जो आधार है, मतलब इस गुडविल ब्रोकर का जो आधार है, ले रहे हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के थ्रू। मतलब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी से देखने की कोशिश करेंगे इसका ब्रोकरेज और मार्जिन, कि मतलब सात चीज का आधार होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं कि गुडविल ब्रोकर में अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको कितना मार्जिन आपको मिलेगा और कितना ब्रोकरेज और क्या क्या इसके चार्जेस हैं और कौन कौन से इसके प्लेटफॉर्म है। मैं फिर बताता हूँ, जो इस वीडियो का आधार है वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी को आधार लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये चार्जेस जो इनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं वो कितने हैं। अगर आप इनके साथ अकाउंट ओपनिंग कराते हैं तो अकाउंट ओपनिंग जो चार्जेस हैं वो है एकदम फ्री, मतलब कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं इनके थ्रू तो आपसे क्या है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। अगर आप इनके साथ अकाउंट ओपन कराते हैं तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितना है? तो दोस्तों, पहला साल फर्स्ट ईयर वो एकदम फ्री है। जब दूसरे साल से आपको पैसा देना पड़ेगा वो है ₹300 पर ईयर। तो पहला साल फ्री है और दूसरे साल से आपको देने पड़ेंगे ₹300 एक साल। ये हो गया इनका हमारा चार्ज, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई क्या क्या प्लेटफॉर्म ये हमको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कोई इनका कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो प्लेटफॉर्म, सबसे पहला प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं नेस्ट, नेस्ट प्लेटफॉर्म हमको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इनका एक वेब प्लेटफॉर्म भी और मोबाइल ऐप भी है जो सबका होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो एक नई बात हमको लगी, अगर आप एक कॉमोडिटी ट्रेडर है तो ये हमको क्या एमी ब्रोकर का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फ्री में। तो आप सोच रहे होंगे कि एमी ब्रोकर का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, केवल कॉमोडिटी चार्ट ही ओपन होने वाले हैं एमी ब्रोकर के, जो ये प्रोवाइड करेंगे हमको। केवल आप उसमें केवल कॉमोडिटी के चार्ट ही ओपन कर पाएंगे, एनएसई से रिलेटेड चार्ट कोई भी ओपन नहीं होगा। फिर बात करते हैं हम दोस्तों कोलेटरल मार्जिन की। अगर आप कोलेटरल ट्रेडिंग करना चाहते हैं इनके साथ अकाउंट ओपन करा के, तो क्या आप कर पाएंगे? जी हाँ, नहीं। पहले मैंने हाँ बोला फिर नहीं। नहीं दोस्तों, आप इनके साथ कोलेटरल ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, इनके साथ, इनके पास कोलेटरल का ऐसा कोई साधन नहीं है। तो दोस्तों, हमने आपको क्या इनका प्लेटफॉर्म बता दिया और क्या क्या इनके चार्जेस है वो बता दिया। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की मेन थीम पर और देखने की कोशिश करते हैं कि हमको मार्जिन और ब्रोकरेज कितना देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ट्रेडिंग से आपको बता देंगे, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो आपको कितना मार्जिन लगेगा। तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को आधार ले रहे हैं। तो अगर दोस्तों, अगर आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना और आप करते हैं ऑप्शन सेलिंग दोस्तों, तो आपको कितना मार्जिन ये देने वाले वो हम आपको बताते हैं। ऑप्शन सेलिंग में दोस्तों ये मार्जिन देते हैं हमको 12x। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलने वाला 12x मार्जिन अगर आप ऑप्शन को सेल करते हैं। वहीं अगर आप ऑप्शन को बाइंग करते हैं इनके साथ में ट्रेड करके, इनके साथ अकाउंट ओपन करा के, तब आपको दोस्तों जो मार्जिन मिलने वाला है वो मिलने वाला है 3x। मतलब ऑप्शन सेलिंग में 12x और ऑप्शन बाइंग में 3x। बट यहाँ पे एक दोस्तों झोल है, झोल ये है कि इन्होंने ये बोलते हैं कि अगर आप इनके साथ अकाउंट ओपन कराते हैं, अगर आपने अकाउंट ओपन कराया और उसमें अकाउंट ओपन कराने के बाद पहली जो अमाउंट डाली वो डाली 50,000 से अबव, कितनी 50,000 से ज्यादा अगर आप वैल्यू डालते हैं, ठीक है, तो आपको मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा और आपको ब्रोकरेज में भी छूट मिलेगी। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपने अकाउंट ओपन करा और आपने डाले ₹30,000, मैं आप मान के चलिए कि आपने ₹30,000 डाल दिए, तब आपको जो मार्जिन मिलेगा ऑप्शन सेलिंग में वो 12x मिलेगा और ऑप्शन बाइंग में मिलेगा 3x। अब हम दूसरा सिनारियो देखते हैं। अगर आपने डाला 50,000, अकाउंट ओपन कर रही आपने 50,000 से ऊपर की वैल्यू डाली, मान लो ₹55,000 डाले, तब आपको ऑप्शन सेलिंग में कितना मार्जिन मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, अब मार्जिन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपको मार्जिन जो मिलने वाला वो मिलने वाला है दोस्तों कितना, 20x। अब आपको 20x मार्जिन मिलेगा अगर आप डाल दें 50,000 से ज्यादा अपने डेमेट अकाउंट में पैसा, ठीक है। वहीं अगर ऑप्शन बाइंग करेंगे तब आपको 3x मिलेगा। तो सिनारियो ये है, 50,000 से ज्यादा डालेंगे तो 20x आपको मार्जिन मिलेगा, अगर आप 50,000 से कम डालेंगे तो 12x मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या हमको 50,000 हमेशा मेंटेन करने पड़ेगा, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। आपने अकाउंट ओपन कराया और आपने डाले ₹50,000, मतलब ₹55,000, आपने ट्रेड किया
ट्रेड में आपको 20x मार्जिन मिला, फिर क्या करते हैं आप नेक्स्ट डे पे आउट मार देते हैं 20,000 रुपए का, अब आपके अकाउंट में बचते हैं 35,000 रुपए, तब भी आपको 20x ही मार्जिन मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने पैसे निकाल लिए तो आपको 12x मार्जिन मिलने वाला, कहने का मतलब एक बार आपको 50,000 से ज्यादा पैसे डालने पड़ेंगे अगर आपको 20x मार्जिन लेना है दोस्तों। तो आपको शायद ये जो चीज है वो क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में ब्रोकरेज ये कितना हमसे लेंगे, मिलियन डॉलर क्वेश्चन होता है कि ब्रोकरेज कितनी लगेगी। तो अगर आप वही, फिर हम एग्जांपल लेते हैं निफ्टी का, एक लॉट का ये बता दें 25 रुपीज पर लॉट, कितना 25 रुपीज पर लॉट आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। इसमें भी वही सिनारियो लगता है, अगर आपने अकाउंट ओपन के टाइम में 50,000 से कम पैसे डाले तब आपको लगेगी ब्रोकरेज 25 रुपए एक लॉट के, और दूसरे सिनारियो में अगर आपने डाले 50,000 से ज्यादा पैसे तब आपकी ब्रोकरेज भी कम हो जाएगी, जैसे आपका मार्जिन बढ़ गया फिर आपको लगेगी 10 रुपए पर लॉट के हिसाब से। देखा दोस्तों कितना डिफरेंस आ चुका है, अगर आप 50,000 से ज्यादा अमाउंट डालेंगे तो 10 रुपए पर लॉट लगेगी, और 50,000 से कम पे कितनी लगेगी 25 रुपए पर लॉट। ये इनका एक तरीके का सिनारियो उन्होंने बता दिया कि भैया 50,000 डालोगे तो इतना लगेगा, 50,000 से कम पे डालोगे तो इतना लगेगा। तो सिंपल इन्होंने चीजें बता दी। अभी हमने आपको निफ्टी का जो मार्जिन है वो बता दिया, उसके दोनों सिनारियो बता दिए 50,000 वाले। अब हम चलते हैं निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करेंगे तब आपको कितना मार्जिन मिलेगा। अब हम निफ्टी का ही एग्जांपल ले देंगे, आप निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड करते हैं और आपको चाहिए मार्जिन, तो कितना मार्जिन मिलेगा दोस्तों। सिंपल सिंपल बात है, आपको मिलने वाला 12 टाइम्स। ठीक है, 12 टाइम्स आपको मिलेगा मार्जिन MIS में। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जो हमारा ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर की सुविधा वो ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं मिलेगी, पर आप फ्यूचर ट्रेड करेंगे या स्टॉक्स इक्विटी ट्रेड करेंगे तब आपको ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर की जो सुविधा है वो मिलने वाली है। तो अब हमने निफ्टी फ्यूचर में मार्जिन मिलेगा हमको 12x नॉर्मल MIS में। अगर आप देखते हैं ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर का सिनारियो, आपको ट्रेड करना ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर, तब आपको कितना मार्जिन मिलेगा निफ्टी में, तब मिलेगा आपको 30 से 40 गुना आपको मार्जिन मिलने वाला है अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर का यूज करेंगे निफ्टी के फ्यूचर में। वैसे मिलेगा 12x और ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर मिलेगा 30 से 40 गुना। ठीक है, अब हम इसकी ब्रोकरेज देखते हैं कि दोस्तों ब्रोकरेज कितनी लगने वाली है। तो गाइज अभी हम देखते हैं कि भाई निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ब्रोकरेज कितनी देनी पड़ेगी, अगर आप निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ब्रोकरेज कितनी देनी पड़ेगी। तो सीधा सीधा एक क्लेम कर दें कि आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी 0.001% दोस्तों पर टर्नओवर। तो दोस्तों जितना आपका टर्नओवर बैठेगा उसका 0.001% आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। अब सीधा बात है, जितनी आप लॉट बढ़ाएंगे, जितना आपका टर्नओवर बढ़ेगा उतना आपकी ब्रोकरेज बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। तो ये तो था हमारा निफ्टी फ्यूचर का। अब हम बात करते हैं हम इक्विटी की, अगर आप इक्विटी ट्रेडर हैं तो आपको कितना मार्जिन यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। तो सिंपल सिंपल आपको मिलेगा 12x नॉर्मल, अगर वहीं आप ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर में काम करने वाले हैं तब आपको मार्जिन जो है वो मिलने वाला 30 से 40 गुना। सिंपल 30 से 40 गुना आपको मार्जिन यहां पे मिलेगा इक्विटी में 12x नॉर्मल में मिलेगा, और अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर में काम करेंगे तब आपको मिलेगा 30 से 40 गुना। तो अब हम इस इक्विटी में देखते हैं कि ब्रोकरेज आपको कितनी देनी पड़ेगी दोस्तों। तो ब्रोकरेज का वही सिनारियो 0.001% पर टर्नओवर की ब्रोकरेज यहां भी आपको देनी पड़ेगी। तो दोनों इक्विटी और फ्यूचर की जो ब्रोकरेज है वो सेम है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे हमने आपको सारे सिनारियो बता दिए, हमने आपको ब्रोकरेज बता दी, हमने आपको मार्जिन बता दिया, इनका चार्ज बता दिया, क्या क्या चार्जेस हैं, डॉक्यूमेंट्स तो आप सबको पता ही होते हैं कि क्या क्या मिनिमम डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। उसके बाद आपके प्लेटफॉर्म हमने बता दिया, हमने बताया कि एमी ब्रोकर का भी ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं बट कमोडिटी चार्ट्स के लिए। ठीक है, तो जो हमारा जो थीम था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, वीडियो में जो जरूरी जानकारी थी हमने आपको दे दी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि इस वीडियो में हम कुछ मिस कर रहे हैं जो कि हमने आपको नहीं बताया, तो आप सीधा हमको बिना किसी झिझक के आप कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर डाला हुआ है, और कमेंट अगर पॉसिबल हो तो आप कमेंट भी कर दीजिए, मैं वहां पे भी आपका रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। तो यहां पे मैंने आपको इस गुडविल ब्रोकर का सब कुछ बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों इस वीडियो को, और आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। अगर आप ट्रेडिंग मीम्स आपको देखना पसंद है तो आप हमारे को इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो करना दोस्तों। चलो मैं वीडियो यहां पे खत्म करता हूं, बाय दोस्तों।